कर्नाटक विधानसभा चुनाव के चर्चे पूरे देश में हो रहे हैं क्योंकि चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। खूब प्रचार प्रसार भी हुआ है और वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल सामने आए उन्होंने पार्टियों की नींदें उड़ा दी है। अब इस मामले में एचडी कुमारस्वामी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कह दिया है कि वो अब एक फैसला लेने जा रहे हैं। सीबीएसई की 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस साल 87.33% छात्र छात्राएं पास हुए जबकि 7.57 छात्रों को कंपार्टमेंट आई है। रिजल्ट जारी होने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पास हुए छात्रों को बधाई दी है और लड़कियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए तारीफ भी की है। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रमुख प्रवीण तोगड़िया ने नर्मदापुरम में एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या स्थिरीकरण कानून को लेकर मुसलमानों को एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार पर हिंदुओं का कंट्रोल करवाएंगे, संविधान में संशोधन करवाएंगे और पीएम सीएम मिनिस्टर डीएम एसपी कलेक्टर जज देश में हिंदू के अलावा किसी को नहीं बनने देंगे। शिवपुरी जिले के पिछौर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता प्रीतम लोधी गुरुवार को अचानक बागेश्वर धाम पहुंचे और यहां पर उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आशीर्वाद लिया। इस दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी प्रीतम लोधी को गले से लगाकर पुराने सारे गिले शिकवे दूर कर उन्हें आशीर्वाद दिया है। शशांक गोयल और उनकी पत्नी भूमिका कटियार के डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन होने के बाद उनके परिवार में खुशी की लहर है। बता दें कि गुरुवार को सीजीपीएससी के परिणाम जारी हुए हैं। शशांक के पिता श्रवण कुमार गोयल पुत्र स्वर्गीय भगवती प्रसाद गोयल मूलतः कोलारस कस्बे के एबी रोड के रहने वाले हैं। इंदौर में निगम आयुक्त हर्षिका सिंह द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम अंतर्गत किए गए कार्यों की सिटी बस ऑफिस में बैठक ली गई है। इस दौरान सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड दिल्ली के साइंटिस्ट सुनील कुमार मीणा, अपर आयुक्त सिद्धार्थ जैन समेत वन विभाग, आरटीओ विभाग, खाद्य विभाग और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व यातायात विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। राजस्थान गुजरात में लू जैसे हालात बन गए हैं। इसका असर एमपी में भी नजर आने लगा है। इसके कारण रतलाम जिला भट्टी की तरह तप रहा है। खजुराहो, टीकमगढ़, नरसिंहपुर, ग्वालियर भी गर्म हो गए हैं। इसके साथ ही अन्य जिलों में भी लू के हालात बन गए हैं जिसके कारण लोगों को गर्मी से बचने के तमाम उपाय करना पड़ रहे हैं। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस क्वालिफाई कर सकती है क्योंकि उसका मुकाबला मुंबई इंडियंस से है। गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस पॉइंट टेबल पर अभी टॉप टीम में मौजूद है जबकि सबसे अंतिम पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। दिल्ली की टीम का मुकाबला बुधवार को चेन्नई की टीम से होना है जो कि दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति चोपड़ा अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही हैं। रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि 13 मई यानी शनिवार के दिन आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के साथ उनकी सगाई होने जा रही है। इसको लेकर उनका घर भी सजकर तैयार है। वहीं इसकी तस्वीरें जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज को लेकर चर्चा में रहने वाली अभिनेत्री गौहर खान 10 मई 2023 को मां बन गई है। उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है। माता पिता बनने के बाद गौहर खान और जय दरबार काफी खुश नजर आ रहे हैं जिसका अंदाजा आप उनके सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर लगा सकते हैं।